एक बार सत्यभामा बिगड़ गई, क्योंकि एक दिन क्या हुआ कि भगवान गए थे स्वर्ग, तो स्वर्ग में ना एक कल्प वृक्ष होता है, तो कल्प वृक्ष का पुष्प बढ़िया था, वहां का फूल बहुत अच्छा होता है, आपने देखा कभी? नहीं देखा, जाओगे तो देख लेना स्वर्ग, वैसे आप लोग जाएंगे वहां का पुष्प। एक दिन भगवान स्वर्ग गए थे तो वहां से एक पुष्प लेकर आए, और पुष्प लाए तो वो रुक्मणी के बालों में लगा दिया ऐसे। अब रुक्मणी के बालों में लगा तो रुक्मणी तो रुक्मणी माँ है, अब सारी दिखा सबको, देखो स्वर्ग से आया हमारे लिए। अब तो सबने तो ठीक किया, पर सत्यभामा बिगड़ गई। सत्यभामा ने कन्हैया की क्लास लगा ली, सुनो हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, हम फोकट में मिल गई है तुम्हें, हम भी तो तुम्हारी पत्नी है, हमें क्यों नहीं लाए फूल। अब भगवान घर में आग लग गई फूल के चक्कर में, होता कभी कभी। अब भगवान बोले ये कैसे बुझे आग, तो भगवान बोले चिंता ना कर, मैं तेरे लिए पूरा पेड़ उठा के लाऊंगा। अब भगवान गए पेड़ उठाने, तो इंद्र बोले हम कैसे दें, वो अपनी पत्नी के बालों में लगा रहा था इंद्र, रति के। हाँ अब जिसके पास से वो चला जाए उसकी घरवाली नाराज हो जाए, यहाँ ये घरवाली नाराज है, वहां इंद्र की नाराज हो रही है। अब कहा जाता है कि इंद्र का भगवान से युद्ध हो गया इस चक्कर में, पत्नी के चक्कर में हो जाता, माताएं बढ़िया होती हैं, कहां किसको भेड़ाना है वो सब जानती हैं। लो भैया इंद्र का भगवान से झगड़ा हो गया। अब भगवान ने फिर इंद्र को समझाया, भाई झगड़ा ना कर, पुष्प लेकर भगवान आए हैं और सत्यभामा के बालों में लगाए, पर अभी गुस्सा ठंडन ठंडन नहीं हुआ। अब भगवान बोले अब तो मान जा भाग्यवान, अब क्या चाहिए? बोले आप मेरे बन के रहेंगे, अब किसी के नहीं। भगवान बोले ठीक है मैं आपका बन जाऊंगा, पर एक शर्त है। बोले क्या? बोले शर्त ये है कि यदि आपने हमें तौल लिया तुलादान, यदि हमें आपने अपने आभूषणों से तौल लिया तो मैं आपका हो जाऊंगा, यदि मैं तुल गया तो आपका, और नहीं तुला तो फिर आप मेरी पत्नी नहीं रह जाएंगी। शर्त मंजूर। अच्छा सत्यभामा को अहंकार आ गया था उनकी प्रॉपर्टी, क्योंकि बड़े बाप की बेटी थी ना, इनके बाप के पास मणि थी, वही मणि क्या है ना, लड़की ज्यादा दहेज लेके आ जाए तो भी टेढ़ा देखती है, सीधा नहीं देखती वो। ऐसा केवल आप और हमारे साथ नहीं, भगवान के साथ भी हो चुका है, भगवान भी इसके भुक्त भोगी है, इसलिए दहेज नहीं लेना चाहिए ज्यादा, नहीं बाद में कहेगी कि सुनो वैसे ही करो जैसा हम कह रहे हैं, नहीं करोगी, दिया हमारे बाप ने इतना सारा, करो करना पड़ेगा। सास कहती है बहू पांव दबा दे, आ गला दबाऊं तेरा पांव दबाएगी, इतना दहेज ली है मुंह फाड़ फाड़ के, पांव दबा दूं और मांग लो दहेज, बाद में रोना बैठ के। मैंने कहा मैं कहता हूं हर बार, इस बार भी बोला था कि दहेज की भीख मत मांगिएगा। सत्यभामा माँ तराजू बांधती हैं, तराजू के एक पलड़े पर भगवान को बिठाल देती हैं, बड़ा देवी देवताओं का जमावड़ा लगा, बड़ी दूर दूर से लोग आए, अब तो सारी पत्नियों का पत्ता साफ होने वाला है, बस यही पत्नी रह जाएंगी। इन्होंने कहा है कि तुम हमारे हो जाओ फिर किसी के मत होना, ये रुक्मणी जी का सब पत्ता साफ हो जाएगा। अब तो सत्यभामा एक पलड़े पे कन्हैया को बिठा ली और दूसरे पलड़े पे सोना, उनके पास जितना था उनके पिता की संपत्ति दहेज में जितनी सब रख दी, उनको लग रहा था हमारा, उनको क्या लग रहा था कि सबसे दहेज ज्यादा दहेज हमारे पिता ने दिया, इसलिए इन पे ज्यादा अधिकार हमारा है। ऐसा कभी कभी हो जाता है, कभी कभी आप मान लेते हैं कि हमने इनको खरीद लिया है ना, ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। रिश्ते प्रेम से चलते हैं, दबाव से प्रेशर से नहीं चलते, तुम दबाव बनाओ नहीं तुम हमारी हो बस, भाई शरीर मिल सकता है ना पर प्रेम नहीं मिल सकता ऐसे में। अब सत्यभामा ने दबाव बनाया, सोना चांदी तराजू बांधी गई, एक पलड़े पे भगवान बैठ गए हैं, चुपचाप बैठे हैं, और दूसरे पलड़े पे सारे सोना चांदी हीरा मोती जो था उनके घर पे सारा रख दिया, भर गई तराजू पर, हिला भी नहीं भगवान का, भगवान का पलड़ा नीचे। अब तो सत्यभामा के पास सारा कुछ खत्म हो गया, खुद सत्यभामा जी बची,
हाँ, अपना जो कान का था गले का था वो भी रख दिया, अब भी नहीं तुले। अब भगवान मन से बोल रहे, देखो अब नहीं तुल रही हो, अब तुम्हारा पत्ता साफ। अब सत्यभामा को डर लगा, राम राम, हम जितनी थी उतनी भी नहीं रह जाएंगी अब तो। अब तुरंत दौड़ी दौड़ी रुक्मणी के चरणों, माँ बहन बचाओ, भगवान तुम कन्हैया तुल नहीं रहे, कैसे करे कैसे। तब सत्यभामा ने कहा, तब रुक्मणी अम्बा ने कहा कि देख एक तुलसी का पत्ता उठा और तुलसी का तिनका, तुलसी का पत्ता अपने मुंह पे दबाओ और तुम खुद चढ़ जाओ उस पलड़े पर। सत्यभामा मां गई, तुलसी का पत्ता मुंह पे दबाया और खुद तराजू पर खड़ी हो गई, और जैसे ही खड़ी भई, भगवान तुल गए, भगवान तुल गए, भगवान तुल गए। मानो भगवान कहते हैं कि तुम अपनी वस्तुएं जब तक चढ़ाते रहोगे तब तक मैं तुलने वाला नहीं, और जिस दिन तुम अपने आप को चढ़ा दोगे उस दिन मैं तुल जाऊंगा। यही मैं कथा में आपको कई बार समझा चुका हूं कि आप लोग भी भगवान को वस्तुएं चढ़ाते हैं, वस्तु मत चढ़ाइए, अपने आप को समर्पित कर दिए। और अम्बा क्या लेकर गई, तुलसी का पत्ता, तुलसी का पत्ता अपने मुंह पे दबाया माँ सत्यभामा ने। तुलसी का पत्ता मुंह पे दबाने का अर्थ यह है कि हे प्रभु, मैं इस तिनके की तरह, इस पत्ते की तरह आपके चरणों में समर्पित होने को आई हूं या आया हूं। जिस दिन तुलसी का पत्ता बनकर आप गोविंद की शरण में चले जाएंगे या चरणों में चढ़ जाएंगे, उस दिन भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।